Hey there, you're listening to the Quint. इतना तो जिंदगी में किसी की खलल पड़े, हंसने से हो सुकून ना रोने से कल पड़े। जिस तरह हंस रहा हूं मैं पी पी के अश्क गम, कोई दूसरा हंसे तो कलेजा निकल पड़े। ये चार लाइनें सुनकर ऐसा लगता है ना कि शायर ने एक तवील लंबी जिंदगी जीकर अच्छे बुरे पलों का हिसाब करके तब कहीं जाकर इतने गहरे आशार लिखे होंगे। वेल, इन आशार का मतलब क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी, लेकिन पहले ये बताना चाहूंगी कि जो शायर हैं जिन्होंने ये लाइनें लिखी हैं वो ये लिखते हुए सिर्फ 11 साल के थे। अब आप सोचेंगे कि भाई इतना भी गिफ्टेड कौन हो सकता है कि जिसने जिंदगी के सबसे बड़े लेसन के बारे में इतनी कम उम्र में वो भी इतने आसान अल्फाज में लिख डाला है। वेल, शायर को तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं और उन्हीं को आज हम उर्दू नामा के इस खास पॉडकास्ट में खिराजे अकीदत पेश करेंगे, यानी कि उन्हें ट्रिब्यूट देंगे। आज हम याद करेंगे अथर हुसैन रिजवी यानी कि कैफी आजमी को। मैं हूं फबीहा सैयद और आप द क्विंट और क्विंट हिंदी पर सुन रहे हैं उर्दू नामा। इतना तो जिंदगी में किसी की खलल पड़े, खलल यानी कि डिस्टर्बेंस। कैफी कह रहे हैं कि इतना तो जिंदगी में कोई डिस्टर्ब रहे, बेचैन रहे कि हंसने से हो सुकून ना रोने से कल पड़े। कल यानी कि चैन पड़ना। कहने का मतलब है कि इंसान को कभी ऐसा वक्त भी फेस करना चाहिए जब वो इतना बेचैन रहे कि ना रोने से सुकून मिले और ना ही हंसने से। वैसे तो हर कोई कैफी आजमी को जानता है, लेकिन फिर भी अगर आप कैफी से वाकिफ नहीं हैं, तो बता दूं कि जब जब लोग सोशल इनजस्टिस की बात करते हैं, अमीर गरीब या औरत मर्द के बीच की बराबरी की बात करते हैं, जुल्म और ऑपरेशन के खिलाफ आवाज उठाने की बात करते हैं, इनकलाब यानी रेवोल्यूशन की बात करते हैं, तो वो दरअसल कैफी आजमी जैसे शायरों की तरफ इशारा कर रहे होते हैं कि भाई सुनाइए सुनाइए, हमें वो चीजें सुनाइए आप जिन्हें पढ़ के हमारे हालात और उनकी सख्ती हमें कम लगने लगे। कुछ ऐसा सुनाइए कि हमारी टूटी हिम्मत दोबारा से जुड़ती हुई लगे। कुछ ऐसा सुनाइए जिससे हमारी खोई उम्मीदें वापस आती लगे। जिंदगी इतनी भी मुश्किल ना लगे तो प्लीज कुछ ऐसा सुनाइए, कुछ अपना लिखा हुआ सुनाइए। तो आज हम वही करने वाले हैं। इस पॉडकास्ट में कैफी आजमी की शायरी के जरिए उनकी दुख्तर उनकी बेटी शबाना आजमी के जरिए कैफी को और करीब से जानेंगे। 1930s में जब इंडिया में आजादी की तमाम कोशिशें चल रही थी, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल लगातार किसी ना किसी शक्ल में दिख रहा था, वहीं कुछ राइटर्स ने मिलकर ये फैसला किया कि भाई वो अपनी राइटिंग से अपनी पोइट्री से स्ट्रगल करेंगे, एक ऐसे समाज के लिए स्ट्रगल करेंगे जिसमें बराबरी हो, जिसमें कोई बहुत ज्यादा गरीब ना हो, जिसमें कोई बहुत ज्यादा अमीर ना हो, औरतों को कोई हकीर यानी इन्फीरियर इनसिग्निफिकेंट ना समझे। तो ऐसे ही राइटर्स का ग्रुप था प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, जो कोलकाता में 1936 में स्टार्ट हुआ, और ये मूवमेंट जिसे उर्दू में अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन हिंद कहा जाने लगा। इस मूवमेंट को लीड करने वाले थे सज्जाद जहीर, अहमद अली, मुल्क राज आनंद जैसे राइटर्स, जिनके साथ और बाकी कई सारे राइटर्स पोएट्स आते गए और कारवां बनता गया। इसके बारे में शबाना आजमी से और तफसील से सुनते हैं कि कैफी साहब किस तरह ऐसे लोगों की आवाज बने जिनकी खुद की आवाज उनके हालात ने दबा दी थी। When we celebrate Kaifi, we celebrate that era that produced such amazing writers. Because when the manifesto for the Progressive Writers Association was written, you had Premchand, you had Rabindranath Tagore who gave his blessings to that, you had Sajjad Zahir, you had amazing people there. These were people who believed art should be used as an instrument for social change. They were very deeply invested in the society around them. Their poetry was used to talk about social justice, equality of opportunity, against communalism, for gender justice. Well, with the progressive writers, there was this need to reach out to the masses, and it was like a leader speaking to the masses.
जैसा कि शबाना आजमी ने बताया कि जब प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन का मैनिफेस्टो लिखा गया तो उसे प्रेमचंद और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे राइटर्स ने अपनी ब्लेसिंग्स दी थी। ये वो राइटर्स थे जो सोसाइटी के बारे में खूब सोचते थे, अपनी कला को, अपनी आर्ट को सोशल चेंज के लिए इस्तेमाल करने में यकीन रखते थे। और ज्यादातर पोएट्स जो इस मूवमेंट से जुड़े थे वो सोशल और जेंडर जस्टिस, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज के लिए लिखते थे, कम्युनलिज्म के खिलाफ, किसी भी तरह के भेदभाव के खिलाफ लिखते थे। पद्मश्री कैफी आजमी 14 जनवरी 1919 में आजमगढ़ जिले में मिजवा गांव में पैदा हुए थे। उनकी शायरी का पहला मजमुआ यानी कि पहला कलेक्शन झनकार 1943 में पब्लिश हुआ था। ये भी माना जाता है कि उर्दू पोएट्री का रंग, उर्दू का रंग फिल्मों के गानों में, फिल्मों की स्क्रिप्ट्स में कैफी साहब ने काफी भरा था। गरम हवा, साथ हिंदुस्तानी, अर्थ, ये तो बस कुछ ही नाम है उन फिल्मों के जिनके लिए कैफी साहब ने लिखा था। एक और बहुत ही मेमोरेबल फिल्म है जिसके डायलॉग्स कैफी साहब ने लिखे थे और वो पूरी फिल्म ही वर्स में थी, मतलब इट वाज टोटल पोएट्री शुरू से लेके आखिर तक, डायलॉग्स भी, और जाहिर सी बात है फिल्मों के गाने में जो पोएट्री होती है वो तो थी ही। और ये फिल्म थी हीर रांझा। कैफी साहब ने महेश भट्ट की फिल्म अर्थ के लिए भी गजलें लिखी थी और ये ऐसी गजलें हैं जो आज भी कोई भी कहीं भी महफिल होती है, लोग जरा मूड में आते हैं तो खुद ब खुद ये गजलें जबान पर आती चली जाती हैं। मेरी भी जबान पर इनफैक्ट ये गजल आ रही है, लेकिन वो मैं खुद नहीं गाऊंगी, मेरे कॉलीग विक्रम वेंकटेश्वरन की आवाज में वो गजल मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। तू अपने दिल की जवा धड़कनों को गिन के बता, मेरी तरह तेरा दिल बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। This ghazal is actually one of my favorite ghazals. मैं आपको उनकी एक और गजल के दो अशआर सुनाना चाहूंगी, सुनिए। शोर यूं ही ना परिंदों ने मचाया होगा, कोई जंगल की तरफ शहर से आया होगा, पेड़ के काटने वालों को ये मालूम तो था जिस्म जल जाएंगे जब सर पे न साया होगा, चाहे तो इन अशआर को आप बदलती हुई सोसाइटी के हवाले से पढ़ सकते हैं। इसमें शायर की फिक्र झलक रही है कि जो समाज है वो बदल रहा है, लोग अपने ही हाथ से उन चीजों को खत्म कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं जिन चीजों से राहत के रास्ते निकलते हैं, या फिर आप इस गजल को एक पर्सनल ट्रेजेडी के भी तौर पे पढ़ सकते हैं। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ कैफीज पोएट्री। अब ऐसे शायर को याद करने के लिए सही अल्फाज का होना ना बड़ा ही जरूरी है, और क्योंकि मैं शायर तो नहीं इसीलिए मुझे एक और शायर का सहारा लेना पड़ेगा इस पॉडकास्ट में, टू रिमेम्बर कैफी आजमी द वे ही शुड बी। जावेद अख्तर ही की आवाज में सुनिए वो नज्म जो उन्होंने कैफी आजमी के ऊपर लिखी थी। जावेद साहब ने एक इवेंट में नज्म पढ़ी थी इसलिए इसकी ऑडियो में थोड़ी डिस्टर्बेंस है, तो आप शायद इसका वॉल्यूम बढ़ाकर सुनना चाहें। तो पेश है कैफी साहब के लिए जावेद साहब का ये ट्रिब्यूट, अजीब आदमी था वो। अजीब आदमी था वो, मोहब्बतों का गीत था, बगावतों का राग था, कभी वो सिर्फ फूल था, कभी वो सिर्फ आग था। वो मुफलिसों से कहता था कि दिल बदल भी सकते हैं, वो जाबिरों से कहता था तुम्हारे सर पे सोने के जो ताज हैं कभी पिघल भी सकते हैं, वो बंदिशों से कहता था मैं तुमको तोड़ सकता हूँ, सहूलतों से कहता था मैं तुमको छोड़ सकता हूँ, हवाओं से वो कहता था मैं तुमको मोड़ सकता हूँ, वो ख्वाब से ये कहता था तो तुझको सच करूंगा, वार्दू से कहता था मैं तेरा हम सफर हूँ तेरे साथ ही चलूंगा मैं, तू चाहे जितनी दूर भी बना ले अपनी मंजिलें कभी नहीं थकूंगा मैं, वो जिंदगी से कहता था कि तुझको मैं सजाऊंगा, तू मुझसे चांद मांग ले मैं चांद लेके आऊंगा, वो आदमी से कहता था
کہ آدمی سے پیار کر, اجڑ رہی ہے یہ زمین کچھ اس کا اب سنگار کر. عجیب آدمی تھا وہ, زندگی کے سارے غم تمام دکھ ہر ایک ستم سے کہتا تھا میں تم سے جیت جاؤں گا, کہ تم کو تو مٹا ہی دے گا یہ کروز آدمی, بلا ہی دے گا یہ جہاں, میری الگ ہے داستان, وہ آنکھیں جن میں خواب ہیں, وہ دل ہیں جن میں دھڑکنیں, وہ بازو جن میں ہے سکت, وہ ہونٹ جن پہ لفظ ہیں, رہوں گا ان کے درمیان کہ جب میں بیت جاؤں گا. عجیب آدمی تھا. بہت کم ایسے شاعر ہوتے ہیں جن کی شاعری اگر ریولیوشنری پوئٹری سمجھ کر پڑھیں گے تو وہ ریولیوشنری لگے گی, اگر رومانٹک سمجھ کے پڑھیں گے تو رومانی بھی لگے گی. کیفی کی شاعری کا یہی تو رنگ تھا کہ اس میں اتنے لیئرڈ ایکسپریشنز ہوتے تھے کہ آپ ایک بار نہیں دو بار نہیں بار بار پڑھنے لگتے ہیں. اس لیے نہیں کہ شاعری مشکل ہے یا ایک بار میں سمجھ نہیں آتی, بلکہ اس لیے کہ آپ کو چسکا لگ جاتا ہے کیفی کی ردم کا. مثال کے طور پہ جینڈر ایکوالٹی پہ کیفی کی نظم, اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے, یہ عموماً لوگ یاد رکھتے ہیں ایسی کلچرل سچویشنز میں جب عورتوں کے حق, ایجوکیشن, سیفٹی, سیکیورٹی کو لے کر بات ہو رہی ہوتی ہے. لیکن آپ کو یہ جان کر بڑی حیرانی ہوگی کہ اس انقلابی نظم کو سنا کر ہی انہوں نے اس عورت کا دل جیت لیا تھا جس سے وہ محبت کرتے تھے اور بعد میں جس سے انہوں نے شادی کی. وہ حسین سی لڑکی تھی, شوکت کیفی. اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے, یہ لائن اگر آپ کسی کو سنائیں گے تو سننے والے کو یقین ہو جائے گا کہ بھائی اقرار محبت ہو تو ایسا ہو ورنہ نہ ہو. اور اگر انقلاب کے لیے آپ یہ لائنیں پڑھیں گے اور سمجھ کے پڑھیں گے تو ہر عورت جس کی ہمت ٹوٹ چکی ہے وہ کیفی کے الفاظ سن کر اٹھ کھڑی ہوگی, واپس اپنا حوصلہ جو بکھر گیا ہے اسے بٹور کر دوبارہ سے ہمت کرے گی. خاص کر جب کیفی کہتے ہیں, تو کہ بے جان کھلونوں سے بہل جاتی ہے, تپتی سانسوں کی حرارت سے پگھل جاتی ہے, پاؤں جس راہ میں رکھتی ہے پھسل جاتی ہے, بن کسی ماں اب ہر ایک ظرف میں ڈھل جاتی ہے, زیست کے آہنی سانچے میں بھی ڈھلنا ہے تجھے, اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے. تجھ میں شولے بھی ہیں بس اشک فشانی ہی نہیں, تو حقیقت بھی ہے دلچسپ کہانی ہی نہیں, تیری ہستی بھی ہے ایک چیز جوانی ہی نہیں, اپنی تاریخ کا عنوان بدلنا ہے تجھے, اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے. زندگی جہد میں ہے صبر کے قابو میں نہیں, نبض ہستی کا لہو کانپتے آنسو میں نہیں, جنت ایک اور ہے جو مرد کے پہلو میں نہیں, اس کی آزاد روش پر بھی مچلنا ہے تجھے, اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے. کیفی اعظمی اسپیشل اردو نامہ کا یہ پوڈ کاسٹ یہیں پہ ختم کرتے ہیں. آپ کو یہ پوڈ کاسٹ کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیے. لیکن سب سے بڑا سوال, کیا آپ نے ابھی تک اردو نامہ سبسکرائب کیا؟ نہیں کیا تو پلیز ابھی فوراً کیجئے, کیونکہ اردو نامہ کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو اشعار جن شاعروں کو جن لوگوں کو ہم بھول گئے ہیں ان کی پوئٹری کے ذریعے اپنی زندگی بہتر کر سکیں, تھوڑا بہتر محسوس کر سکیں, پوئٹری کو ایک تھراپی کے طور پہ لے سکیں. اب دیکھیں اتنے سارے فائدے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں اردو نامہ سننے کے لیے, تو ابھی فوراً آپ سبسکرائب کیجئے ایپل اور گوگل پوڈ کاسٹ پر, یا پھر جیو ساون اور اسپوٹیفائی جیسی ایپس اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو اس پہ بھی اردو نامہ ٹائپ کرتے ہی ہمارے سارے 14 کے 14 ایپیسوڈز آ جائیں گے. اور ہاں, یہ سارے جو پلیٹفارم جن کے بارے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے, ان پلیٹفارمس پر آپ میرا ایک اور پوڈ کاسٹ سن سکتے ہیں جس کا نام ہے بگ اسٹوری ہندی. اس میں میں دن کی سب سے بڑی خبر لیتی ہوں, اسے اینالائز کرتے ہیں, اس پر بات کرتے ہیں. تو پوئٹری کے لیے اردو نامہ سنیے اور نیوز انالیسس کے لیے بگ اسٹوری ہندی سنیے. میں ہوں فبیحہ سید, اینڈ آئی ول سی یو اگین ویری سون. بائے.